प्रभु आपके चरणों में आना वो हमारे लिए सबसे बड़े आनंद का कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति और सुकून आपके चरणों में परमेश्वर। हम चाहे जिस किसी परिस्थिति में हो, जो भी सिचुएशन में हो, चाहे हमारे बोझों को लेकर, चाहे हमारी चिंताओं को लेकर, चाहे हमारे प्रश्नों को लेकर हम आपके चरणों में आए हो, लेकिन परमेश्वर हम ये जानते हैं आपकी हुजूरी में छुटकारा है, आपकी हुजूरी में चंगाई है प्रभु, आपकी हुजूरी में शांति है परमेश्वर। आपके अलावा कहीं हमारी भलाई नहीं है प्रभु, आपके अलावा कहीं हमारी शांति नहीं है परमेश्वर। और आज इसीलिए हम आपके चरणों में आए, जो भी आपके पास आया, जो भी आपके चरणों में आया वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। उसके जीवन में आपने काम किया है परमेश्वर, उसके जीवनों को आपने बदल दिया है खुदावन। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदा आज के दिन के लिए, कि हम भी वही खुदा के पास आए जो जीवनों को बदलने वाला खुदा है, जो जीवनों में काम करने वाला खुदा है, जो वो सामर्थ्य रखता है कि कोई भी जीवन में काम कर सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं काम करने की, उसके लिए कोई सीमा नहीं काम करने की प्रभु। अब हर एक सीमा उससे परे जाकर काम कर सकते हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने वचन दिया है जहां दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा मिलेंगे वहां आपकी उपस्थिति उनके बीच होगी। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के अनुसार आप हमारे बीच हो, आपकी उपस्थिति हमारे बीच है प्रभु। और आपकी उपस्थिति में जब हम आए, हम विनती करते हैं हमारे कोई भी पाप आपके और हमारे बीच दीवार रूप हो प्रभु। आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ कीजिए प्यारे खुदा। यीशु मसीह के लहू में हमें धोकर शुद्ध करिए परमेश्वर। हमने जाने अनजाने में कोई भी पाप किए हो प्रभु, आप हमें माफ करिए प्रभु, आप हमें क्षमा करिए प्रभु, आप हमें क्षमा करिए, ताकि हम आपके चरणों में बैठने के लिए योग्य बन पाए प्यारे पिता। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आप हम सब के हरे पापों को यीशु मसीह के लहू में धो दीजिए। जितना भी वक्त हम आपके चरणों में बिताए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में श्रेष्ठ आराधना लाने के लिए अनुग्रह दीजिए। उत्तम भेंटों को आपके चरणों में लेकर आए ऐसा अनुग्रह आप हम पर होने दीजिए। इस समय के विरुद्ध जो भी शैतान के काम हो, हर एक डिस्टर्बेंस, शैतान उसकी हर एक योजनाओं को यीशु मसीह नाजरी के नाम से बांध देते हैं, तोड़ते हैं, निष्फल करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम में। और आपकी फ्रीडम, हम आपकी महिमा यहाँ पर होने पाए प्रभु। के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआ प्रभु यीशु के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए प्यारो हमारे स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाना चाहते हैं। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। वो परमेश्वर है, जो भी उसके पास आता है, जो भी उसका आश्रय लेता है, उसको कभी भी, बोले कभी भी, लज्जित नहीं होने देगा। हमें ये जो पूरा गाना है वो याकूब की जो पूरी घटना है, याकूब के जो जीवन में घटी थी उसके ऊपर लिखा है। याकूब जब घर से निकला वो खाली हाथ निकला था, कुछ नहीं था उसके पास, एक रुपया भी नहीं था, खाली हाथ वो निकला था। लेकिन जब वो वापिस आया वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहता है प्रभु को कि प्रभु मैं खाली हाथ निकला था लेकिन दो दल बनाकर, बोले दो दल बनाकर। अगर एक दल होता तो समझते एक का दो हो गया, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं था, बोले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उससे प्रभु ने दो दल दिए उसे, हालेलुया। दो दल किससे, किसके, पशु और धन संपत्ति सबके दो दल, डबल ब्लेसिंग्स प्रभु ने उसको दी, हालेलुया, हालेलुया।
जीरो था, बोलिए जीरो, उससे प्रभु ने उससे डबल दिया। हालेलुया, वही खुदावंद आपके साथ है। याकूब के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जिंदा खुदा उसके साथ था। हालेलुया, हम जीरो है, हम एक है, हमें पता नहीं हम कौन सी परिस्थिति में है, कहां पर है, लेकिन सिर्फ खुदा का हमारे साथ होना हमारे लिए काफी है, हमारे बढ़ने के लिए, हमारे आशीषित होने के लिए। हालेलुया, वही आपको का परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, वो जीरो से डबल बना सकता है, एक से नहीं बोल रहा, जीरो से मतलब कुछ नहीं है, उससे वो डबल बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना विश्वास के साथ गाए। करने वालों को लचित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लचित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दुदल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, स्तुति करूंगा। एल एलो हे, एल एलो हे, एल एलो हे, स्तुति। आई ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। जख्मी मैं था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। हे जख्मी मैं था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। हेलो हे, स्तुति करूंगा। एल हेलो हे, एल हेलो हे, एल हेलो हे, स्तुति करूंगा। हे आशय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आशय करने वालों को लज्जित न किया, गाय अच्छी आवाज में, हे खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दुर्जल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दुर्जल बनाया। एल एलो हे, एल एलो हे, एल एलो हे, मिलकर गाए उसी आवाज में। एल एलो हे, एल एलो हे, एल एलो हे, आए ताली बजा कर प्रभु को महिमा दे। सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा तूने मुझे दिया। परदेश में जहाँ मैं रहा, वहाँ मुझको वारिस बनाया। परदेश में जहाँ पर रहा, वहाँ मुझको वारिस बनाया। करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने किसी को लज्जित नहीं होने देता, जो भी उस पर भरोसा रखता है। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको तो
घर बनाया, खाली हाथ मैं यहाँ तक आया, तूने मुझको टोटल बनाया। हेलो 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 हेलो, स्तुति करूँगा। हेलो 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 हेलो, स्तुति करूँगा। हेलो 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 हेलो, स्तुति करूँगा। बजाकर उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया। मैं भाई साहब की गवाही सुन रहा था, हम सब साथ बैठे थे, उनके विषय में बात हो रही थी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। सुनिए, उन्होंने पार्टी रखी, लोगों को बुलाया और थैंक्स गिविंग रखी, धन्यवाद की सभा। और पास्टर ने पूछा, हमें रीजन तो बताइए क्यों आपने ये थैंक्सगिविंग मीटिंग रखी है। उन्होंने बोला, मैंने ये थैंक्सगिविंग मीटिंग इसलिए रखी है कि प्रभु ने मेरी एक भी दुआ नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। मैं ताजुब हो गया, मैंने फिर सचमुच ऐसा, उन्होंने थैंक्सगिविंग मीटिंग इसलिए रखी थी क्योंकि प्रभु ने उनकी एक भी दुआ नहीं सुनी और ये रीजन उन्होंने पासवान को दिया। हालेलुया। जब प्रभु दुआ नहीं सुनता है तब उसमें भी आशीष छिपा हुआ होता है, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो थोड़ा सा होता है, वो जो देना चाहता है वो बड़ा होता है। और अब थोड़ा पर्दा उठाकर मैं बोलूं, उन्होंने जो थैंक्स विंग मीटिंग रखी थी, धन्यवाद की सभा, वो 5-स्टार होटल में रखी थी। हालेलुया। प्रभु ने दुआएं नहीं सुनी तो वो 5-स्टार होटल में धन्यवाद की सभा कर रहे, इतना वे आशीषित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हम तो घर में भी थैंक्स भी मीटिंग रखनी होती है, सबको मिल बुलाकर कुछ करना होता है, हम सोचते हैं। उन्होंने 5-स्टार होटल में थैंक्स भी मीटिंग रखी क्योंकि प्रभु ने उनको छोटा छोटा जो वो मांग रहे थे वो नहीं दिया, प्रभु ने उन्हें उनको बड़ी बड़ी आशीष से दी। वो इतने कैपेबल हो गए प्रभु ने जब उनकी दुआएं नहीं सुनी तो, कि वो 5-स्टार होटल में थैंक्सगिविंग मीटिंग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दुआएं नहीं सुनता, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वो छोटा नहीं देना चाहता, वो बड़ा देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर आश्रय करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। हमें निराश नहीं होना है जब हमें कुछ नहीं मिलता, हमें विश्वास रखना है प्रभु कुछ बड़ा देने जा रहा है। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है जब हम हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देखते, ये सोचकर मुझे लज्जित होना पड़ेगा। नहीं प्यारो, वो कभी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि आप उसका मुकुट हो, आप की उन्नति में वो खुश होने वाला खुदा है। हालेलुया। आए प्रभु को धन्यवाद दे, फिर से विश्वास से गाए, प्रभु जब मैंने तेरा आश्रय रखा है, मैंने तुझ में आश्रय लिया है, मैं कभी भी लज्जित नहीं होने वाला। हालेलुया, आमीन। गाए आश्रय करने वालों को लज्जित किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा, आश्रय करने वालों को लज्जित किया, ओ तेरी दया ने मुझे न छोड़ा, खाली हाथ मैं यहाँ तक आया, तूने मुझको दुदल बनाया, खाली हाथ मैं यहाँ तक आया, तूने मुझको दुदल बनाया। तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया, वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एल एलो हे, एल एलो हे।
वालों को लज्जित किया, तेरी दया ने मुझे न ऊंची आवाज में आशय करने वालों को यीशु तेरी दया ने मुझे न छोड़ा, खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दुख बनाया, खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दुख बनाया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे, प्रभु तू मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, तू मेरा सच्चा खुदा है, तू मुझे उठाने वाला खुदा है, वो घूरे से कीचड़ से उठाकर अपने लोगों को ऊंचाइयों पर बिठाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस यूसुफ को खड्डे में डाल दिया गया था, वही यूसुफ को प्रभु ने प्रधानमंत्री तक बना दिया। वो हमारा खुदा है प्यारो, हमारा खुदा कमजोर नहीं है, उसका हाथ इतना कमजोर नहीं है आप गिरते हो और आपको उठा ना सके, आपको दुख में पड़ा रहने दे, उतना वो कमजोर नहीं है, वो सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, अलोहे अलोहे स्तुति करूंगा, अलोहे 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 स्तुति करूंगा। हालेलुया, एक नया गाना सीख कर और गाकर प्रभु को धन्यवाद दे। गाने के शब्द है, वर्णन से भी परे तेरा प्यार, हल बेबयान, कितने शब्द ढूंढे पर वो कम है परमेश्वर के प्रेम का बयान करने के लिए। हालेलुया, हम बोले प्रभु तेरा प्रेम महान है, महान शब्द भी कम पड़ेगा प्यारो, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो अद्भुत है। और आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए, वो हमें सांपों से छुड़ाने के लिए खुद शापित बन गया। पुराने जमाने में क्रूस की मृत्यु को श्रापित मृत्यु कही जाती थी, हम पर जो श्राप आने थे वो यीशु ने खुद पर ले लिए, खुद वो श्रापित मृत्यु उन्होंने सही मेरे और आपके लिए, पापों से छुड़ाने पापी गिना गया, पापियों के बीच उसको टांगा गया, पापियों में वो गिना गया, वो जगह हमारी थी लेकिन हमारी जगह यीशु मसीह ने ली। दर्द मेरे दूर करने सुली का दुख सा, हमारे दर्द हमारे दुख को उठाने के लिए हमें दर्द ना सहन करना पड़े, हमारे दर्द अपने ऊपर ले लिए। उसके हाथों में कीले ठोके गए, पाओं में कीले ठोके गए, कोड़ों से मारा गया, वो दर्द प्यारो हमारा था क्योंकि पाप हमने किया था, हमें सहना था वो दर्द, लेकिन यीशु ने सह लिया ताकि हमें मोक्ष उद्धार अनंत जीवन मिले, हमें वो दर्द सहना ना पड़े। हालेलुया, मुझे धनी बनाने निर्धन तो हो गया, स्वर्ग का सारा वैभव सुख उसने छोड़ दिया, एक चरनी में जन्म लिया, एक सामान्य मनुष्य के समान वो बन गया मेरे और आपके लिए। हालेलुया, चंगाई के लिए कोड़े खाए, शांति के लिए ताड़ना सा, ये सब बातों के लिए जो मैंने और आपने फ्री में पाई है, मुफ्त में पाई, दुआ की और मिल गई चंगाई, लेकिन किसी ने उसके लिए कीमत चुकाई। हालेलुया, आए उससे महिमा देते ये गाना गाए।
से भी परे तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए बेबयां, वर्णन से भी परे तेरा प्यार यीशुआ, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए बेबयां, यीशु तेरा प्यार। एक और बार गाए, वर्णन से परे, वर्णन से भी परे तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए बेबयां, वर्णन से भी परे तेरा प्यार, कम पड़ जाए बेबयां, यीशु तेरा प्यार। हाथों को उठाए और गाए, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार है महान, यीशु तेरा उसके प्रेम को अनुभव करे प्यारो, उसने जो भी किया आपके लिए किया, यहां पर खड़े हर व्यक्ति के लिए किया, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति ज्ञाति नहीं देखी, ना ही गरीब धनवान को देखा, उसने सब के लिए इस संसार के हर एक लोगों के लिए कीमत चुकाई है, आप सबके लिए उसने कीमत चुकाई है, वो आप सबसे प्यार करता है, कोई भी बाकी नहीं है, कोई ये ना माने यीशु मुझसे प्यार नहीं करता, यीशु आपको भी प्यार करता है, यीशु सबको प्यार करता है, और जब उसने बलिदान दिया उसकी नजरों के सामने आप थे, आई उससे महिमा देते हुए गाए, प्रभु मेरे शापों को तूने उठाया, रोगों को उठाया, शांति के लिए ताड़ना सही, मेरी चंगाई के लिए तूने कोड़े खाए यीशु, आई उससे महिमा देते हुए गाए, सांपों से छुड़ाने खुद सांपित बन गया, पापों से छुड़ाने पापी गिना गया, दर्द मेरे दूर करने सूली का कुछ सहा, मुझे धनी बनाने निर्धन तू हो गया, शापों से गाय हाथों को ठाकुर महिमा देते हुए गए, शापित बन गया, पापों से छुड़ाने पापों से मेरे बदले पापी
ना गया दर्द मेरे दूर करने सूली का दुख सहा मुझे धनी बनाने निर्धन तू हो गया चंगाई के लिए कोड़े खाए तूने मेरी शांति के लिए पीछे पीछे बोले अटल जोर से अटल अटल मतलब जो टलने वाला नहीं है गारंटी है यीशु के प्यार की और एक एक शब्द वचन से लिए हुए प्यारो एक एक शब्द वचन में यीशु के प्यार के लिए लिखे गए हालेलुया बोले अटल अविचल अविचल मतलब जो चलायमान नहीं है बदलाव नहीं आता थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा कम हो जाए ऐसा यीशु का प्यार नहीं है ऐसा मनुष्य का प्यार हो सकता है हालेलुया बोले अनंत वो सिर्फ 6 महीने नया नया हो तब तक नहीं दिखता नया नया प्यार हो तब तक दिखने वाला प्यार संसार में दिखता है यीशु का प्यार अनंत है बोले अनंत है हालेलुया बेशर्त बोलिए ना बेशर्त तुम उससे अच्छा व्यवहार करेगा मैं तुझसे अच्छा व्यवहार करूंगा कल कुछ भी कुछ बुरा बोल गया मुंह चढ़ाकर घूमूंगा ऐसा नहीं वो दुनिया का प्यार है नहीं थोड़ा बहुत कुछ हो जाए शर्ती प्यार होता है तू मुझे दे
तुम उससे अच्छा व्यवहार कर तो यीशु के प्यार में तो नहीं होता। हालेलुया। वो कुछ नहीं देखता, वो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो बेशर्त हमें प्यार करता है। हालेलुया। कोई शर्त नहीं रखता, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगा। यीशु ने बलिदान देते वक्त ये नहीं, मैं देखता हूं मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे जीता है, बाद में दूंगा बलिदान। नहीं, हम कुछ करके दिखा उससे पहले उन्होंने हमसे प्यार किया। हालेलुया। बेमिसाल, बोले बेमिसाल, उसके जैसे प्यार की दुनिया में ढूंढ लो, कहीं पर मिसाल नहीं मिलेगी। वो यूनिक है, बेमिसाल है। हालेलुया, हालेलुया। बोले बहुमूल्य, उसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता। प्यारो, क्या मूल्य देंगे प्रभु से, हम क्या कहेंगे प्रभु तेरे प्यार के बदले मैं तुझे ये दो, अरे कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने आपके लिए अपने लहू की एक आखिरी बूंद भी थी वो आपके लिए दे दी, कुछ बाकी नहीं रखा आपसे प्यार करने में। हालेलुया। अपने आपको पूरा न्योछावर कर दिया। हालेलुया। उसका प्यार बहुमूल्य है। बोलिए भरोसेमंद, भरोसा कर सकते उसके प्यार पर। वो संसार का प्यार नहीं है जो आपको धोखा दे, जो सिर्फ आपका यूज करे और यूज होने पर खत्म हो जाए फिर आपको छोड़ दे, वैसा प्रभु का प्यार नहीं है। उस पर आप भरोसा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करके उसके प्रेम के ऊपर भरोसा कर सकते हो। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये संसार का प्रेम आपको धोखा दे सकता है, यीशु का प्यार भरोसेमंद है। वो कभी आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। बोले भरपूर उमड़ता हुआ। हालेलुया। वो प्यार उमड़ता हुआ प्यार है। प्यारो, सदा उमड़ता रहता है आपके लिए, कभी उसमें कम नहीं होता प्यार। वो उमड़ता हुआ प्यार है। बोलिए भरसक, भरसक, भरसक का मतलब होता है टू द फुलेस्ट, मतलब एकदम भरपेट, संतोष हो ऐसा। हालेलुया। उसके प्यार में आपका हर एक असंतोष दूर चला जाएगा। जो उसके प्यार को चख लेता है उसके उसको दुनिया में कहीं प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। हालेलुया। उसका प्यार भरपेट है, भरसक है, पूरा आपको तृप्त कर दे ऐसा है। आपको कहीं और प्यार दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसका प्यार सच्चा है। बोलिए सच्चा। उसका प्यार शानदार है। हालेलुया। और उसका प्यार, बोलिए सर्वोत्तम, उत्तम, उत्तम से भी बढ़कर होता है सर्वोत्तम, सर्व से ऊपर, सर्व से उत्तम। हालेलुया। उत्तम से भी उत्तम उसका प्यार है। हालेलुया। आए फिर से ये आखिरी जो ब्रीज है वो प्रभु को महिमा देते हुए गाए, अटल, अविचल, अनंत, बेसर, बेमिसाल, बहुमूल्य, भरोसेमंद, भरपूर, भरसक, सच्चा, शानदार और अरे कितने भी शब्द लिखे वो कम पड़ेगा, ये गाना एक घंटा चले। हालेलुया। क्योंकि उसके प्यार को शब्दों में बयान करना असंभव है। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए, से भी परे तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए ये बयान, वर्णन से भी परे तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए ये बयान, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार है महान, सबसे महान, यीशु तेरा प्यार है अपार।
यीशु तेरा प्यार है अब ठहरेगा ठहरेगा ना मिटेगा तेरा प्यार ठहरेगा ना मिटेगा तेरा प्यार।
मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा यीशु, आशा को प्यार करें यीशु से। प्यार का अनुभव करे प्यारो, वो हमारे बीच है प्यारो, वो हमें स्पर्श करना चाहता है, वो हमसे बहुत ही प्यार करता करना चाहता है प्यारो, वो हमारे जीवनों को सुधारना चाहता है, वो हमारे जीवनों को बनाना चाहता है प्यारो। आपकी सुखाकारी में वो खुश होता है, आपकी खुशी में वो खुश होता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। दुनिया के प्यार पर भरोसा ना करे, दुनिया का प्यार आपको धोखा दे जाएगा, दुनिया का प्यार भरोसेमंद नहीं है, वो बिन शर्ती नहीं है, बेशर्त नहीं है, वो स्वार्थी प्रेम है। यीशु का प्यार, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, वो बेशर्ती प्रेम है, वो कभी कम नहीं होगा, वो कभी आपको दगा नहीं देगा, वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। प्रभु को कहे, वर्णन से भी परे यीशु तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए बेबयां, वर्णन से भी परे तेरा प्यार, हर लफ्ज भी कम पड़ जाए तेरा प्यार, तेरा प्यार। यीशु तेरा प्यार,
यीशु तेरा प्यार है अपार, यीशु तेरा प्यार है महान, यीशु तेरा प्यार है अपार, लुटा लेगा ना मिटेगा ने। प्यारो बार बार यीशु को नकार दिया, लोगों के बीच में परिसभा में उसने कह दिया मैं इस यीशु को नहीं जानता, जबकि वो पूरा समय यीशु के पास रहने वाला उसका चेला, उसके लिए ये कहता था कि यीशु तेरे लिए मुझे जीवन भी देना पड़े, मैं जान दे दूंगा। कि जब यीशु को पकड़ लिया गया क्रूस पर चढ़ाने के लिए, न सिर्फ उसे वो छोड़कर चला गया, उसने बार बार उससे नकारा। यीशु ने ये नहीं कहा पुनरुत्थान होने के बाद, पत्रस तूने मुझे नकारा, मैं तुझे भी नकार देता हूं। यीशु से मिलने गए जब वो निष्फलता से होकर गुजर रहा था, मेहनत करी लेकिन मछली हाथ नहीं लग रही थी, यीशु उसके पास गए प्यारो, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है, बेसर्त है। हालेलुया। वही पत्रस को उन्होंने फिर से रिस्टोर किया, पुनः स्थापित किया और कहा मैं इसी कलीसिया बनाऊंगा, यही पत्रस के द्वारा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वही पत्रस जो उससे नकारता रहा, निष्फल हो गया था, लेकिन यीशु के प्रेम ने उसके जीवन को बदल दिया। वो ऐसा बदल गया कि हजारों लोगों के सामने वो यीशु का प्रचार करने लगा, यीशु को जाहिर करने लगा। और वो यीशु के प्रेम से इतना परिपूर्ण हो चुका था प्यारो, आखिर में जीवन के अंत में प्रभु यीशु के लिए अपनी जान भी दे दी। उस यीशु के प्रेम के आगे हमारा कुछ भी और चीज, हमारी कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। आइए यीशु से कहे तेरा धन्यवाद यीशु, आप मुझे बेशर्त प्रेम करते हो, मैं निष्फल हो जाऊं लेकिन आप कभी अपने प्रेम में निष्फल नहीं जाते प्रभु। आप आज भी मुझे प्रेम करते हो, कल मुझसे प्रेम करते थे और अनंत काल तक मुझसे प्रेम करते रहोगे। आपका प्रेम अनंत है यीशु, तू मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं भी तुझसे प्रेम करूं। न टलेगा न मिटेगा तेरा प्यार, न टलेगा प्रभु। आदर मान और धन्यवाद हम आपके प्रेम के लिए आपके चरणों में लाते हैं, कितने भी शब्द हम यूज करें वो कम है यीशु आपके प्रेम को बयान करने के लिए। आप हमसे प्रेम करते हो, आप हर धर्म जाति नाति धनी गरीब हर लोगों से प्रेम करते हो प्रभु। आप सिर्फ क्रिश्चियन लोगों से नहीं, इस संसार के हर एक लोगों से प्रेम करते हो, सबके लिए आपने कीमत चुकाई यीशु। आदर मान सम्मान आपके प्रेम के लिए आज हम आपके चरणों में लाते हैं, हमारी इस धन्यवाद की भेंटों को आप कबूल करें प्यारे खुदावर, यीशु मसीह के नाम में मिलकर कहे आमीन। प्लीज बैठ जाएं।